वही अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सोमवार हल्द्वानी में एसडीएम कोर्ट, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय और प्राधिकरण दफ्तर में छापेमारी की। वही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की छापेमारी अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने सबसे पहले कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर को चेक किया, साथ ही दफ्तर में नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद प्राधिकरण ऑफिस में फाइलों को देखी, वही पेंडेंसी कम करने के साथ ही सभी फाइलों की स्कैनिंग के निर्देश दिए। कमिश्नर दीपक रावत ने संबंधित जेई से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को नक्शों से संबंधित कार्यों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और देखिए, समय समय पे सीनियर ऑफिसर्स को, जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उनको देखने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। विशेषकर कितने लोगों की उपस्थिति है, तो पहले तो मैंने यही देखा कितने लोग उपस्थित हैं, तो 3 लोगों का मुझे पता नहीं मिला जो एबसेंट पाए गए, उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पब्लिक से रिलेटेड जो काम है, जैसे नक्शे तो आप जानते हैं लोग आवेदन करते हैं या चालान भी होता है, तो उसका डिस्पोजल होना चाहिए, वो मैं देखने यहाँ पर आया था। तो एक तो यहाँ पर ये जो दिक्कत मुझे लगी कि जो फाइल्स हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 अधिकारी हैं, उनके कोर्ट्स चल रहे हैं, तो उनका जो लेखा जोखा है एक साथ दिया जा रहा है, तो पहले निर्देश तो मेरे ये हैं कि इनको अलग अलग करें। सेकंडली, जो व्यावसायिक मामले हैं और जो आपके नॉन गैर व्यावसायिक मामले हैं, डोमेस्टिक हैं, इनका विवरण भी अलग अलग होना चाहिए। काफ़ी जगह मैंने देखा कि नोटशीट्स पर भी सिग्नेचर नहीं है, और ईयर वाइज जो फाइलों का लेखा जोखा रहना चाहिए कि कौन सा मामला कब से चल रहा है, कितने मामले ज़्यादा पुराने हैं, ताकि उनको वरीयता मिल सके और डिस्पोजल हो, वो भी नहीं है, तो उसके कंप्लायंस के लिए यहाँ पे कहा गया। एक अच्छी बात यहाँ पे ये मिली कि जो डिस्पोजल होना चाहिए 15 दिन में आपके घरेलू नक्शे का, 30 डेज में व्यावसायिक का, तो वो डिस्पोजल अच्छा है और सारे के सारी जो पत्रालियाँ समय पर निस्तारित हो रही हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आज देखने आ रहा था, जिसकी मुझे काफ़ी जगह शिकायत मिल रही है, कि व्यावसायिक निर्माण में निर्देश मेरे ओर से बहुत सख्त हैं कि कहीं पर कमर्शियल अगर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो लीगली चालान होना ही चाहिए। जिस मामले में चालान नहीं किया जा रहा है, मात्र उसको विजिट करके हम वापस आ जा रहे हैं, इसमें ये प्रकार की अनियमितता तो है ही, इसमें फिर अन्य प्रकार की गड़बड़ियों के भी चांसेस रहते हैं, जो कि एक मामले में मुझ पर मिला। दोबारा मेरी ओर से पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं कि जब इंस्पेक्शन कोई हो रहा है तो उसमें विधिवत नोटिस, या फिर काम हो रहा शुरू हो गया है तो विधिवत जो सीलिंग है ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं किया गया है तो उसमें सीरियस कार्रवाई होगी। यहाँ पर भी ऐसा मामला मुझे मिला जहाँ पे कि इस तरह चीज़ें नहीं हो रही थी, और मैंने सभी मामलों में देखने के लिए कहा है, अगर भविष्य में कोई मैटर मेरे सामने ऐसा आता है जहाँ पे कि हम मात्र विजिट करके घूम फिर के चले आए हैं, तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा। और जो मामला आज मेरे संज्ञान में आया, उस मामले में मैंने अनुशासनिक जांच करने के लिए आपसे कहा है कि अनुशासनिक जांच करें, सुनवाई का अवसर दें, और जो भी उसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो अपनी ओर से दंड